स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है जिसमें ए बी और सी डी जो है रिस्पेक्टेड आर्क ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस ट्वेंटी वन सेंटीमीटर सेवन सेंटीमीटर ओ बी जो, 21 o, C, जो है वो ट्वेंटी वन सेंटीमीटर और ओ सी जो है सेवन सेंटीमीटर है कंसेंट्रिक सर्कल की आर्क से एंगल दिया है ए ओ बी मीन्स जो सेक्टर बनेंगे इनका एंगल थर्टी डिग्री है हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फाइंड करना है तो इस क्वेश्चन में अगर हम बड़े सेक्टर से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाता है तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है कि एरिया ऑफ बड़े सेक्टर में से बड़ा सेक्टर हमारे पास हो गया ए ओ बी तो एरिया ऑफ सेक्टर बिग सेक्टर जिसका रेडियस कैपिटल आ रहा है और एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा है तो हो योग थीटापॉइन्ट थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्र माइनस थीटा पॉइंट थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वेयर अब क्योंकि थीटा सेम है तो थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी और पाई ये कॉमन आ गया दोनों में हमारे पास अंदर आ गया आर स्क्र माइनस आर स्क्वेयर यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर ली आर प्लस आर और आर माइनस आर की हम आइडेंटिटी यूज करेंगे मीन्स ए स्क्यर माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है इससे थीटा थर्टी डिग्री है तो थर्टी अपॉन थ्री सिक्सटी वन बाई ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन और हो गया ट्वेंटी वन स्क्वेयर माइनस सेवन स्क्र जो हो गया ट्वेंटी वन प्लस सेवन ट्वेंटी वन माइनस सेवन ट्वेंटी वन प्लस सेवन ट्वेंटी एट हो जाता है और ट्वेंटी वन माइनस सेवन फोर्टीन हो जाएगा तो हमने सेवन के ट्वेल्व पे ट्वेंटी एट को काटा फोर पे फोर के ट्वेल्व पे हमने ट्वेल्व को थ्री पे काट दिया तो हमारे पास आ गया ये ट्वेंटी टू इंटू फोर्टीन ओवर थ्री जो हमारे पास आएगा थ्री हंड्रेड एट ओवर थ्री तो ये एरिया ऑफ शेडेड पार्ट है इस क्वेश्चन के लिए थैंक यू